मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल। फ्रेंड, आज का दिन बहुत ही मेरे लिए बोल सकते हो एकदम मनहूस दिन है। आज का दिन मेरे लिए मनहूस दिन क्यों है आपको वीडियो में आगे बताऊंगी। और आज है 28 फरवरी, बहुत ही मनहूस दिन है हमारे लिए। वो क्यों आपको ब्लॉग में तो बताऊंगी। वैसे मैं बता दूँ, आज मैं जा रही हूँ मायके। अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि बहुत नॉइज़ आ रहा था, इसीलिए म्यूट करके मुझे वॉइस ओवर कर रहा है, ताकि करना पड़ रहा है ताकि आपको समझ में आए मैं कहाँ जा रही हूँ। ये रहा श्रीरामपुर का नौगार मोड़। सुमित आ रहे हैं, देख सकते हो, एक फूल का माला लेकर। मायके आ गई हूँ। मायके आने से ना हम लोग का इस जगह पर रास्ते में टोटो रखना पड़ता है, उसके बाद हमको घर जाना पड़ता है। घर के उधर भी टोटो लेकर जा सकते हैं, लेकिन सुमित इस तरफ रखते हैं। अरे बैग टबार करो, भेतर देख, इस तरफ देखिए, इधर टोटो रख के जाना पड़ता है। जाए नहीं दाड़ी अच्छी अमीन। तो ये देखो आ गया है घर। ये देखो घर आ गए हैं, खुला भी है, दरवाजा खुला है। देखो चोरी करना कितना आसान है हम लोग का घर। ये देखो पापा काम कर रहे हैं। কি করছো? রং করে দিলে কমপ্লিট, এসব পয়সা করছি বহু নোংরা, ভাল লাগছে না? এই বলছিল ঘুরছে, ঘরে কাজ করতে ভালো তো। কই? এই তো রুটি সারছি। হ্যাঁ, গিয়ে দেখ ঘর কা হালাত। রুটি সারছি আর ভিডিও করিস না, এই অবস্থা আর ভালো লাগে না। ভিডিও আমার এই অবস্থা আছে, এখন রুটি করছি, তাড়াতাড়ি করব। फ्रेंड, ये रहा पीती का बेडरूम जो अभी इस तरह से है। ये रहा प्रीति, हेलो प्रीति। मुझे पता नहीं आप सबके साथ कैसे ये बात शेयर करूं। आज ही के दिन प्रीति हम दोनों को छोड़ के चली गई। फ्रैंकली स्पीकिंग, किसी को पता नहीं आज का डेट के बारे में। मुझे बहुत बुरा लगता है कभी कभी के जब जिंदा रहते तब भी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, जब चले जाते हैं तब भी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। ये बहुत बुरा लगता है, हर कोई अपने बारे में ही सोचता है। और ये देखो मिर्च का पौधा, मिर्च और कैप्सिकम का, बैंगन का। बैंगन अभी तक आया नहीं, फूल आया है जैसे कि ये देखो। और इसके ऊपर ना पापा का रंग गिरा है, तो ये देखो बैंगन का फूल आ गया है। इधर भी देखो बैंगन नहीं आया है लेकिन मिर्च आ गया। और ये देखो कैप्सिकम, बेबी कैप्सिकम, कितना क्यूट है ना, देखो क्यूटी पाई। कैप्सिकम आया है, ये ग्रीन वाला कैप्सिकम है। बहुत सारे कैप्सिकम पापा लगाए हैं, रेड वाला। ये देखो ये वाला जो मिर्च है ना फ्रेंड, ये मिर्च बहुत तीखा होता है, बहुत तीखा, देखने में ब्लैक मांबा के जैसा लग रहा है। देख रहे हैं, जैसा लग रहा है प्लास्टिक का है ना, बहुत तीखा होता है ये। ये देखो बहुत आया है। बैंगन भी आएगा, बैंगन का फ्लावर तो आ गया है, बैंगन भी आएगा। और देखो मम्मी सुमित, और मैंने वो जो श्रीरामपुर से जो नाइटी लिया था मम्मी के लिए, तो मैंने पहना है क्योंकि मम्मी नया कुछ भी चीज पहनते नहीं है। मैं पहन लेती हूँ एक बार, उसके बाद जाकर मम्मी पहनती है। पापा ऊपर रूम में सो रहे हैं, लंच वंच हो चुका है। आज लंच मम्मी ने बहुत जबरदस्त बनाया,
कौन सा छोड़कर कौन सा खाऊं ये ऐसे सोच में पड़ गया था। और पापा ने ये ना देखो कैसे इधर लगा दिया, क्योंकि गर्मी आने वाले हैं और गर्मी के दिन ना हम लोग के एरिया में बहुत लड़का लोग क्या बोलते हैं इसको अड्डा देते हैं, अड्डा बोलते हैं ना वही देते हैं, तो घर के अंदर हम रहते हैं तो सब कुछ दिखता है, इसलिए पापा ने ऐसे घेर दिया बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं समझ जाना मैं क्या हूँ। ये देखो पर्दा लगा दिया ताकि अगर कोई भी हम लोग का घर के पास ही रास्ता है, ये देखो रास्ते से कोई भी जाते ना देखते रहते हैं तो देखेगा नहीं अंदर। और ये देखो दो पेड़ है, ये मीठा खट्टा मीठा है और ये एकदम खट्टा है, दो है। ये मैं जब बचपन में आम खाई थी उसका गुठली फेंका था, उससे ये पेड़ उगा है। घर आते ही बहुत अच्छे से डीप क्लीनिंग किया क्योंकि मम्मी नहीं कर पाती, हाथों में चोट लगा हुआ है ना। और हाँ है सी, और एक बार मैं कहा था ना आपको मेरे मम्मी और पापा का दोनों का एक्सीडेंट हुआ था, तो मम्मी बोलने नहीं दे रही थी, तो अभी बताऊंगी। चलो सुमित मुझे ब्लॉगिंग नहीं करने देता। और मम्मी का एक्सीडेंट हुआ था और देखा होता है लेके से चोट, ये देखो घुटना, ये वाला घुटना पूरा इधर छिल गया था, अब तो ठीक हो गया है। और ये भी ये दोनों घुटना मम्मी का छिल गया था और इस तरफ मम्मी का चोट लगा था, दांत भी एक टूट गया है। फ्रेंड मायके से मैं घर आ चुकी हूँ, अब से मिल रही हूँ। नेक्स्ट डे मॉर्निंग लंच के टाइम है अभी। फ्रेंड आज के लंच के थाली में है लाल साग भाजी, राइस, क्यूकम्बर, ऑनियन, ग्रीन चिली और ये रहा चिकन लीवर, और इधर है झींगा और तुरई और आलू का पोस्तो। हेलो फ्रेंड अभी मेकअप करके एकदम रेडी हो चुकी हूँ, अभी रात के 12:30 बज चुके हैं, ऑलरेडी 1 बजने वाले हैं। मेकअप किया था, ड्रेसअप किया था, सब कुछ करना मेरा एकदम वेस्ट हो गया क्योंकि लास्ट में हम देख रहे हैं रिचार्ज करना हम भूल गए। ये देखो नेट रिचार्ज करना हम भूल गए और नेट नहीं चल रहा है, वाईफाई नहीं चल रहा है, तो इसीलिए एकदम पोपट हो गया मेरा रातों रात। क्या करूँगी, इतना अच्छे से मैंने साड़ी वाड़ी पहना था, ये मेरे मम्मी का साड़ी है, बहुत अच्छे से पहना था, मेकअप भी किया था, देखिए कितना अच्छे से, एकदम वेस्ट हो गया मेरा मेकअप से कब करना, इतना ड्रेसअप भी करना। आई होप आप देख पा रहे हो साड़ी में, एक सेकेंड ये देखो, देख पा रहे हो देखो साड़ी कितना मस्त साड़ी है। ये पहन के मैं रेडी हो गई थी वीडियो शूट करूंगी, लेकिन सुमित भूल गया मेरा फोन चेक करने के लिए, मेरे फोन में मैसेज आया था लेकिन मैं मैसेज को इग्नोर कर दिया था, थोड़ा सा बिजी थी इसीलिए। तो चलो मेकअप तो करना वेस्ट हो गया, अभी टिश्यू पेपर से मेकअप को रिमूव करती हूँ, सोने के लिए जाती हूँ, धीरे धीरे बात कर रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी बहुत रात भी हो चुका है। वो बेटा देखे एक फोन नेट ऑन करो, रिचार्ज करो ना। तो चलो फ्रेंड मैं आपसे मिलती हूँ सुबह, और अभी मोबाइल का जो नेट है वो इस्तेमाल करके रिचार्ज भी करना है, अगर हो जाते तो अच्छा बात है, अच्छी बात है, तो आपको प्यारे प्यारे मेरे इस गेटअप में रील्स वीडियो मिलेगा इंस्टा पर। आप चाहो तो मेरा हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला रहता है लिंक, फेसबुक पेज का, इंस्टाग्राम का, तो चेक जरूर कर लेना, फॉलो भी कर लेना। चलो बात अभी नहीं करूँगी, सुमित को रिचार्ज करने के लिए फ़ोन दे देती हूँ और मैं फ़ोन से ही ब्लॉग शूट करती हूँ इसीलिए, तो इसको देना पड़ेगा अभी, देखते हैं अगर रिचार्ज हो जाते तो वीडियो शूट होगा, नहीं तो नहीं होगा। चलो मिलती हूँ सुबह आपसे।